सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर राधे रिलीज होने तक और उसके रिव्यू तक बहुत सारी चर्चा हुई, जिसमें केआरके सबसे आगे दिखाई पड़ी। केआरके ने एक तरह से बॉलीवुड के खिलाफ पूरा का पूरा मोर्चा खोलकर रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि केआरके बॉलीवुड की एक से एक पोल खोलने वाले हैं, उसकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। लेकिन अब केआरके ने कल एक के बाद एक इतने सारे ट्वीट कर दिए और उन सभी ट्वीट में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बात किसी को समझ में नहीं आ रही है कि केआरके आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। केआरके ने आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, शाहिद कपूर, इन सभी से माफी मांगने का काम किया है। केआरके ने ट्वीट क्या किया है आप उसे पढ़ लीजिए। डियर सिद्धार्थ मल्होत्रा, इमरान हाशमी, अर्जुन, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, मैंने आपको हर्ट किया हो तो मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। फाइनली मुझे एहसास हो गया कि आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, जो भी मेरे साथ हुआ वो मेरा नसीब था, तो आपको क्या ब्लेम करूं। दूसरे ट्वीट में केआरके ने लिखा, मुझे ये भी एहसास हुआ है कि रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आप लोगों को बुरा बोलकर मुझे क्या मिला, कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपना समय और एनर्जी बर्बाद कर रहा था, मैं सिर्फ अपने लिए हेटर्स बना रहा था, माफ कर दो। लेकिन मैं अजय देवगन को सॉरी नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, वो उनकी ही गलतफहमी थी, वो मेरे फेवरेट स्टार हैं, हालांकि हमने टोटल धमाल के शूटिंग के दौरान सारी गलतफहमियां दूर कर दी थी। इसके बाद केआरके ने लिखा, आज मैं सभी से माफी मांगता हूं जिसको भी मेरे कमेंट रिव्यू से बुरा लगा, लेकिन मीका सिंह और टैलेंटलेस सुपरस्टार को छोड़कर इन दोनों को तो कभी माफ नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे जबरदस्ती उंगली की है। आलिया भट्ट और अनुभव सिन्हा भाई से भी मैं माफी मांगता हूं। अब सोचने वाली बात है कि ये बात केआरके क्यों बोल रहे हैं। केआरके देखिए ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती है, ये बात केआरके को समझ में आ चुकी है। तो केआरके करते हैं बॉलीवुड की फिल्मों का रिव्यू, जिसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं, लाखों में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम केआरके फ्री में करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल से भी वो अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। अगर बॉलीवुड ने हर कोई कलाकार, हर कोई प्रोड्यूसर केआरके के ऊपर बैन लगा देगा कि आप मेरी फिल्मों को रिव्यू नहीं कर सकते, तो फिर केआरके का काम ही क्या बचेगा। देखिये, राजनीति और बॉलीवुड ऐसी चीज है जहां पर कोई भी इंसान परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, एक समय के बाद लोगों में दोस्ती हो ही जाती है। जब शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती हो गई तो ये तो केआरके है। केआरके को वैसे भी बॉलीवुड में कुछ लोग सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। राजनीति में एक चीज होती है कि राजनीति में लाश के ऊपर राजनीति होती है, और बॉलीवुड में जितना विवाद होगा उतना फायदा होगा, और जानबूझकर यहां पर विवाद क्रिएट भी किए जाते हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि केआरके ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम का फायदा उठाया? क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब तक सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तब तक केआरके एक के बाद एक सुशांत सिंह राजपूत को फ्लॉप स्टार बताया करते थे, उनकी सभी फिल्मों को गंदे रिव्यू दिया करते थे, ये कहा करते थे कि ये टीवी का स्टार है, एक दिन फ्लॉप होने के बाद टीवी की दुनिया में वापस लौट जाएगा। हालांकि बॉलीवुड में उनके साथ जो नेपोटिज्म वाला मुद्दा हुआ था उसे भी केआरके ने ही उजागर किया। लेकिन अब जो केआरके के सुर बदले हैं ये जरा सोचने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि केआरके के बहाने बॉलीवुड अपनी इमेज को और भी अच्छी तरह से चमकाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कुछ कर रहा हो। सलमान खान से केआरके ने माफी नहीं मांगी है क्योंकि अभी उनको लेकर केस चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद दोस्ती हो जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं हो। हो सकता है कि दोनों के बीच ऐसी डील हुई हो कि इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो मेरी फिल्म राधे को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब सच्चाई क्या है ये तो शायद ही पता चले या आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि केआरके ने बॉलीवुड के सभी बड़े स्टार से माफी मांग ली है।